उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने पहाड़ का जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। उत्तराखंड में कई मुख्य नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। कुमाऊं की प्रमुख नदियों में से एक काली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। काली नदी इस समय खतरे के निशान से 30 मीटर ऊपर बह रही है। काली नदी का जलस्तर आज 14 जुलाई को खतरे के निशान 889 को पार कर 889.30 मीटर पर पहुँच गया है। वहीं काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार जाने के बाद पिथौरागढ़ के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने आम जन की सुरक्षा के नजरिए से कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि काली नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में नदियों के आसपास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला में NHPC के छिरकिला बांध से पानी छोड़ा था। इसके बाद से काली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी से ही जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें काली नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं, जो आज 14 जुलाई को खतरे के निशान को पार कर गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 14 जुलाई सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 19.0 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 43% ज्यादा है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 46.01 मिलीमीटर बारिश उधम सिंह नगर जिले में हुई, जो सामान्य से 201% ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।